चीन को ठोक डालने तैयार होगा ब्रह्मोस और टॉमहॉक मिसाइलों का चक्रव्यूह। फिलीपींस में ब्रह्मोस की भयंकर तैनाती के बाद अब जापान की बारी। जापानी युद्धपोत टॉमहॉक मिसाइलों से लैस होकर गरजेंगे चीन पर। चीन को फोड़ने भारत अमेरिका का अब तक का सबसे बड़ा प्लान। भारत पर हमला करने का सपना देख रहे चीन को एक नहीं बल्कि दो दो सुपर झटके लगे हैं। ये तो आप देख ही रहे होंगे कि किस तरह से चीन भारत के सीमावर्ती इलाकों को कब्जाने के लिए साजिशों पर साजिशें कर रहा है। पहले उसने एलएसी पर गुस्ताखियां की और अब तो उसने अपनी इन नापाक करतूतों पर पाकिस्तान को भी शामिल कर लिया है। भारत के खिलाफ युद्ध की तैयारी के लिए चीन ने पाकिस्तान को अपना पांचवी पीढ़ी का J-31 स्टील्थ फाइटर जेट भी दे रहा है, जिसकी ट्रेनिंग के लिए इस वक्त पाकिस्तान के पायलट चीन में ट्रेनिंग ले रहे हैं। लेकिन अब चीन की ये चालाकियां ज्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं है, क्योंकि चीन को ये गलतफहमी थी कि उसकी नौसेना न केवल दुनिया में सबसे बड़ी है बल्कि सबसे ज्यादा शक्तिशाली भी है, और उसके बलबूते वो भारत के जल क्षेत्रों पर कब्जा कर लेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, बल्कि इसके लिए तो भारत और भारत के साथ साथ अमेरिका ने भी पुख्ता इंतजाम कर लिया है। भारत और अमेरिका प्रशांत महासागर में चीन का ऐसा ताबीज बनाने वाले हैं जिसके बाद वो भारत तो छोड़ो, ताइवान, फिलीपींस जैसे छोटे छोटे देशों पर भी हमला करने से पहले 100 बार सोचेगा। और इस काम के लिए तैयार हो चुकी हैं भारत की ब्रह्मोस मिसाइल और दूसरी है अमेरिका की टॉमहॉक मिसाइल। ये दोनों मिसाइलें ही दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से हमला करने वाली मिसाइलें हैं, जिनका सामना करने की हिम्मत अभी तक किसी भी देश में नहीं है। तो चलिए जानते हैं क्या है पूरी खबर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो पर लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। चीन को समंदर के रास्ते ठोकने का बन गया अमेरिका से प्लान। जापान के युद्धपोत होंगे अमेरिका की टॉमहॉक मिसाइल से लैस। सबसे पहले बात करते हैं जापान की, जो भारत के लिए चीन से भिड़ने वाला है और इसके लिए वो अमेरिका से मदद ले रहा है। अमेरिका जापान को अपनी सबसे तेज गति से हमला करने वाली मिसाइल देकर चीन की बत्ती गुल करने वाला है। भारत का भी इरादा कुछ ऐसा ही है, यानी प्रशांत महासागर में भारत की ब्रह्मोस और अमेरिका की टॉमहॉक मिसाइलों का भयकंदर चक्रव्यूह तैयार होने वाला है। दरअसल जापान और अमेरिका के खिलाफ चीन की साजिशें भी लगातार बढ़ रही हैं, जिसे देखते हुए ये फैसला लिया गया है। दरअसल जापान और अमेरिका के लिए चीन और उत्तर कोरिया का खतरा लगातार बढ़ रहा है, जिसे देखते हुए अमेरिका ने जापान के जहाजों को टॉमहॉक मिसाइलों से लैस करने का फैसला किया है। इसको लेकर पहली मिसाइल कोंगो क्लास गाइडेड मिसाइल विध्वंसक चौकाई पर लगाई जाएगी। जापान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार जापानी रक्षा मंत्रालय मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स यानी MSDF के एजिस विध्वंसक चौकाई को अमेरिकी टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों को दागने की क्षमता से लैस करना चाहता है। इस योजना को लागू करने के लिए जापानी रक्षा मंत्रालय ने सरकार के वित्तीय वर्ष 2025 के बजट से $12.3 मिलियन का अनुरोध किया है। इससे नागासाकी प्रांत में MSDF के सासेबो बेस पर तैनात चौकाई विध्वंसक युद्धपोत काउंटर स्ट्राइक क्षमता वाला पहला जापानी नौसेना का पहला पोत बन जाएगा। यानी यहां पर चीन और उत्तर कोरिया को जवाब देने के लिए दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल को तैनात किया जाएगा। अगर ताकत की बात करें तो ये मिसाइल अपने आप में भूचाल है। कितनी ज्यादा खतरनाक मिसाइल है टॉमहॉक मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल का क्लोन कहा जाता है टॉमहॉक को। अगर इस मिसाइल की ताकत की बात करें तो ये मिसाइल दुनिया की सबसे तेज गति से हमला करने वाली मिसाइलों में शामिल है। इस क्रम में इसका दूसरा नंबर पर है। पहले नंबर पर भारत की ब्रह्मोस मिसाइल है, जो इतनी ज्यादा रफ्तार से हमला करती है कि किसी ने सोचा तक ना हो। अगर टॉमहॉक मिसाइल की बात करें तो लंबी दूरी की टॉमहॉक मिसाइल एक लॉन्ग रेंज वाला हथियार है और करीब 20 फीट लंबी है। यह मिसाइल 885 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला कर सकती है। इस मिसाइल को टॉरपीडो से किसी पनडुब्बी को निशाना बनाने के लिए लॉन्च किया जा सकता है। यह मिसाइल टर्बोफैन इंजन से ऑनप्रेट होती है और इस वजह से ज्यादा गर्मी नहीं पैदा करती है। इसकी वजह से ही इंफ्रारेड पर इसका पता लगा पाना मुश्किल हो जाता है। इस मिसाइल में क्रॉस सेक्शन बहुत छोटा है और यह बहुत ही निचले स्तर पर ऑपरेट होती है। इस वजह से ही रडार भी इसका पता नहीं लगा सकती है। टॉमहॉक इंटीरियर और टीरेन कॉन्टूर मैचिंग रडार गाइडेंस का प्रयोग करती है। इसके तहत मिसाइल में एक मानचित्र पहले ही स्टोर होता है। मिसाइल का कंप्यूटर इसी सेव तस्वीर से टारगेट को पहचानता है। यह मिसाइल बारिश, ठंड और गर्मी हर मौसम में काम कर सकती है। अमेरिका ने सबसे पहले इस 70 के दशक में इजाद किया था।
लेकिन इस पर अब तक कई डॉलर खर्च किए जा चुके हैं और इसे कहीं ज्यादा एडवांस्ड बना दिया गया है। मिसाइल का वजन करीब 1.5 टन है और यह अपने साथ 453 किलोग्राम तक के हथियार ले जा सकती है। जीपीएस टेक्नोलॉजी से चलने वाली टॉमहॉक मिसाइल को अमेरिकी कंपनी रेथियन बनाती है। इसे दुनिया की सबसे मॉडर्न क्रूज मिसाइल का तमगा हासिल है। इसे 2000 से ज्यादा बार यूज किया जा चुका है। साल 2011 में नाटो की सेनाओं ने इसी मिसाइल से लीबिया पर हमला किया था। ये तो हो गई टॉमहॉक मिसाइल की बात। अब बात करते हैं भारत की ब्रह्मोस मिसाइल की, जो फिलीपींस में तैनात होकर चीन की मौत बनी हुई है। यानी चीन के पर कतरने के लिए भारत ने शानदार प्लान तैयार कर लिया है। फिलीपींस में चीन की मौत बनी हुई है भारत की ब्रह्मोस मिसाइल। समंदर में तैयार हो रहा नेवल बेस चीन ने पहले से ही पकड़ा हुआ है सर। इधर भारत की ब्रह्मोस मिसाइल ने चीन का पहले से ही पक्का वाला ताबीज बनाकर रखा हुआ है। इसी साल अप्रैल महीने में भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों की पहली खेप रवाना की थी। ब्रह्मोस पाने वाला फिलीपींस पहला बाहरी देश है। भारत ने जनवरी 2022 में फिलीपींस से ब्रह्मोस मिसाइल की बिक्री के लिए $375 मिलियन की डील की थी। फिलीपींस को उस समय मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी मिली है जब उसके और चीन के बीच साउथ चाइना सी में तनाव बढ़ा हुआ है। फिलीपींस ब्रह्मोस के 3 मिसाइल सिस्टम को तटीय इलाकों में तैनात करेगा ताकि चीन के खतरे से निपटा जा सके। दोस्तों, आपको बता दें कि ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे पनडुब्बी, शिप, एयरक्राफ्ट या जमीन कहीं से भी छोड़ा जा सकता है। ब्रह्मोस रूस की P-800 ऑकिंस क्रूज मिसाइल टेक्नोलॉजी पर आधारित है। इस मिसाइल को भारतीय सेना के 3 अंगों आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को सौंपा जा चुका है। ब्रह्मोस मिसाइल के कई वर्जन मौजूद हैं। ब्रह्मोस के लैंड लॉन्च, शिप लॉन्च, सबमरीन लॉन्च, एयर लॉन्च वर्जन की टेस्टिंग हो चुकी है। जमीन या समुद्र से दागे जाने पर ब्रह्मोस 290 किलोमीटर की रेंज में मैक 2 स्पीड से, यानी 2500 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अपने टारगेट को नेस्तनाबूद कर सकती है। पनडुब्बी से ब्रह्मोस मिसाइल को पानी के अंदर से 40-50 मीटर की गहराई से छोड़ा जा सकता है। दोस्तों, इस मिसाइल की सबसे खास बात ही इसे बाकियों से अलग करती है। ब्रह्मोस मिसाइल को घातक बनाती है इसकी स्पीड, एक्यूरेसी कंट्रोल और मेन्यू वेरिएबल तकनीक। अगर किसी खास टारगेट को हिट करना है तो ये काम ब्रह्मोस से पूरा किया जा सकता है। इतनी स्पीड पर किसी भी रडार के लिए उसे पकड़ना बहुत मुश्किल है। वहीं अगर रडार पर मिसाइल पकड़ में आ भी गई तो उसके बचाव के लिए दुश्मन को ज्यादा वक्त नहीं मिल पाता। वहीं मेनू वेरिएबल तकनीक की बात की जाए तो आप आसान भाषा में इसे ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए रास्ते में कोई पहाड़ आ गया और दुश्मन उस पहाड़ के दूसरी ओर दुश्मन मौजूद है जो एक टारगेट है। ऐसे में जिस तरह एक विमान रास्ता बदलता है उसी तरह ये मिसाइल भी घूमकर दूसरी ओर पहुंच जाएगी। यानी किसी भी हाल में ये उसे छोड़ेगी नहीं। यानी अगर ब्रह्मोस मिसाइल पीछे पड़ी तो मौत निश्चित है। जिस तरह से भारत और अमेरिका ने चीन को तबीयत से ठोकने का प्लान तैयार किया है उसको लेकर आपको क्या कुछ कहना है कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।